जी हाँ, बात उस खबर की जो हर देशवासी को चुभ रही है। उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, हर जगह इसी बात की चर्चा है कि पेट्रोल और डीजल में लगी महंगाई की आग कहां जाकर थमेगी। क्योंकि जब डीजल महंगा होता है तो फिर खाने के सारे सामान महंगे होते हैं और मध्यम वर्ग से लेकर गरीबों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। इसके साथ ही पेट्रोल की ऊंची कीमत भी लोगों का बजट बिगाड़ रही है। आज हम आपको तेल की कीमतों के खेल का पूरा गणित समझाएंगे, क्योंकि जब मैंने इसके एक एक पहलू को खंगाला तो मुझे कई चुभने वाली बातें नजर आई। आपको ये सब दिखाएंगे, उससे पहले महंगाई की मार से परेशान आम लोगों का दर्द देख लीजिए। मान लो कोई आदमी मजदूरी करता है, 400-500 रोज हाजिरी कमाता है, अब वो 500 रुपए की पेट्रोल रोज खर्च कर देगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा। सरकार पूंछ लगा रखी है पूरी जनता की, ये समझो। जब से सरकार आई है केवल जनता मर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। बजट सभी का बजट बिगड़ रहा है, बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। पीने की चीजें महंगी होंगी, सब चीजें महंगी हो रही है। अरे भाई, कितना असर क्या पड़ता है कि रोजाना हम लोग रोज कमाने रोज खाने वाले आदमी इतना पेट्रोल कहाँ से डला सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेरोजगारों को, युवाओं को, किसानों को बहुत ज़्यादा डीजल और पेट्रोल, ये मतलब कि दिनचर्या में है पेट्रोल, उसे बढ़िया तो हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे। बहुत परेशानी हम लोग की है, बहुत समस्या है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इंडिया जो है पेट्रोल और जो हमारे से पड़ोसी देश हैं उनको देता है, वो लोग 60-55 रुपये में बेच रहे हैं, यहाँ इंडिया में इतना पता नहीं क्यों। जी, हमारे साथ ये इस पूरे गणित को जब हम समझेंगे कि क्यों इतना महंगा पेट्रोल और डीजल हो गया है, आकाश जिंदल हमारे साथ मौजूद रहेंगे, देश के जाने माने एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, ये इजाफा कैसे हुआ है, चुभने वाली बात यह है कि पड़ोसी देशों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें इतनी ऊंची नहीं जितनी अपने देश में है। भारत में जहां पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर की सीमा को छू चुका है, इसकी औसत कीमत 90 रुपए लीटर के करीब है, तो डीजल 80 के पार है। लेकिन अगर नेपाल की बात करें तो वहां पेट्रोल 67.97 रुपए लीटर है, तो डीजल की कीमत 58.13 रुपए लीटर है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहां पेट्रोल 51.37 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल की कीमत 53.04 रुपए प्रति लीटर है। वहीं बांग्लादेश में जहां पेट्रोल 76.40 रुपए लीटर मिल रहा है, तो वहीं डीजल की कीमत 55.80 रुपए लीटर है। भूटान में पेट्रोल की कीमत 49.56 रुपए प्रति लीटर है, तो डीजल 46.30 रुपए का मिल रहा है। श्रीलंका की बात करें तो यहां पेट्रोल 61.37 रुपए लीटर का है, तो वहीं डीजल 38.92 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर मिल रहा है। अगर चीन की बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत 74.74 रुपए लीटर है, जबकि डीजल 65.11 रुपए लीटर का मिल रहा है। अब सवाल ये कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ आकाश जिंदल साहब जुड़े हुए हैं। आकाश जी, हमने अपने पड़ोसी मुल्कों और दूसरे देशों की बात कर ली, वहां पर पेट्रोल साहब सस्ता मिल रहा है, डीजल सस्ता मिल रहा है, भूटान, नेपाल, और मैं आपको बता दूं कि बिहार से तो ऐसी खबरें भी आ रही है कि जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, लोग वहां नेपाल जाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब यहीं पे पेट्रोल डीजल भरवा लें। तो साहब ये स्थिति क्या, आकाश जी साधारण शब्दों में समझाइए, जनता जानना चाहती है, क्योंकि ये बात मुझे भी चुभ रही है और आपको भी चुभ रही है। बिल्कुल रोहित, आपने बहुत सही पर्सपेक्टिव उठाया है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर वंडरफुली पुटिंग इट। देखिए आज हालत क्या है हिंदुस्तान में, दिल्ली की बात करें, पेट्रोल 90 रुपए से ऊपर, डीजल 80 रुपए से ऊपर। तो इसमें पूरा ब्रेकअप मैं आपको दूंगा, पेट्रोल में करीब 57-60% अप्रोक्सीमेटली टैक्सेस हम चार्ज कर रहे हैं, डीजल में मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ 53-55% अप्रोक्सीमेटली हम टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं। ये टैक्सेस एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल टैक्सेस है जिसमें एक्साइज और साथ में सेस है, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट जो वैट चार्ज करती है। तो आज की तारीख में बहुत हाई हम सेंट्रल टैक्सेस यानी सेंट्रल एक्साइज दे रहे हैं, स्टेट्स हाई वैट ले रही हैं। आपके प्लेटफॉर्म पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहां पे आप सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए,
स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वैट कम करें। अब इसमें सारी पॉलिटिकल क्लास से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी के साथ कुछ स्टेट में कांग्रेस भी है, कुछ में रीजनल पार्टीज हैं। ओवरऑल वी नीड टू रिड्यूस टैक्सेस। आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया, आज जनता कोरोना की वजह से लोगों की कमाई कम हुई है जी, और डेटा हमारे पास है -7.7% जीडीपी ग्रोथ। आम भाषा में कहें तो इसका मतलब है आम आदमी की कमाई कम हुई है, आम आदमी की कमाई कम हुई है। एंड यू हैव वेरी राइटली पुट इट रोहित जी कि डीजल की वजह से सारी जिंदगी महंगी हो जाती है, खाना पीना ही नहीं, द एंटायर लाइफ बिकम्स कॉस्टली। तो हालत क्या आम आदमी की, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ऐसे में मेरी सरकारों से रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और तमाम स्टेट गवर्नमेंट से कि प्लीज आप टैक्सेस रिड्यूस करिए। दुनिया भर में रिलीफ दिया जा रहा है कोरोना के कारण, दुनिया की सब कंट्रीज में कोरोना का रिलीफ दिया जा रहा है, यहां पे भी जो है टैक्सेस कम करने चाहिए। ठीक है, सरकारें ये लॉजिक देती है हमें ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट कीजिए, ग्रोथ कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की अच्छी ग्रोथ कर रही है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं, 11% जीडीपी ग्रोथ का आजादी के बाद का सबसे बढ़िया टारगेट हमने रखा है, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए पेट्रोल और डीजल को टैक्स मत कीजिए, 500 और तरीके हैं उसके लिए, उनसे आप जो है पैसा इकट्ठा कीजिए जिससे आप ग्रोथ बनाएं। बिल्कुल, आप जो है फ्लाईओवर बनाएं, सड़कें बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, सबकी जरूरत है देश को, देश आपको धन्यवाद कहता है, लेकिन उसके लिए आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। बिल्कुल सही बात आकाश जी आपने कही। आकाश जी मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपसे आगे हमें एक और बड़ी और अहम बात समझनी है, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक तुलना दिखाने जा रहा हूं। ये तुलना क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत से है कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल। हमने जून 2014 की इनकी कीमतों की फरवरी 2021 से तुलना की। जून 2014 में एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $93 थी, तो वहीं देश में तब पेट्रोल ₹71 प्रति लीटर मिल रहा था, जबकि डीजल की कीमत थी ₹51 प्रति लीटर। अब जबकि फरवरी 2021 में क्रूड ऑयल $63 प्रति बैरल की कीमत पर मिल रहा है, तो देश में पेट्रोल की कीमत ₹90.54 प्रति लीटर है, जबकि डीजल करीब ₹80 प्रति लीटर की कीमत पर मिल रहा है। इससे साफ है कि जब कच्चा तेल मौजूदा वक्त में $30 प्रति बैरल महंगा था, उस वक्त आज की तुलना में पेट्रोल डीजल कहीं ज्यादा सस्ता मिल रहा था। जाहिर है बात तो चुभेगी, यानी जब कच्चा तेल सस्ता है तो हमें महंगा क्यों मिल रहा है। आम जनता इस बात को साफ इसी नजरिए से समझती है। आकाश जिंदल साहब के पास दोबारा रुख करेंगे। आकाश जी, ये तुलना हमने दिखाई 2014 और 2021 की, यानी 2014 में जब क्रूड ऑयल महंगा था तब भी पेट्रोल डीजल सस्ता था, लेकिन अब उल्टी स्थिति है। आम जनता तो सब यही गणित जानती है। बिल्कुल सही कहा आपने रोहित, ये गणित आपने सही रखा, बस इसके साथ साथ डॉलर की कॉस्ट हमें ऐड करनी पड़ेगी, आप तो जानते हैं क्योंकि डॉलर में हम इंपोर्ट करते हैं। आज की तारीख में बात वही आ जाती है कि हमने सेंट्रल एक्साइज बार बार उसके बाद बढ़ाते हैं, तो सेंट्रल एक्साइज रिड्यूस होना चाहिए, स्टेट्स को वैट रिड्यूस करना चाहिए। दूसरी बात एक और बता दूं, आपने बड़े सही तरीके से इसको पुट अप किया है, आज अगर टैक्सेस ना होते सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, तो पेट्रोल और डीजल ₹40 से भी सस्ता होता सब जगह। तो आप देख लीजिए टैक्सेस कितना बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। सरकारों के लिए ये टैक्स करने का, टैक्स इकट्ठा करने का बहुत बढ़िया तरीका है क्योंकि इसमें लीकेजेस नहीं है, बट आम जनता को इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। मानता हूं सरकार का डेफिसिट है, कोरोना के कारण सरकार की बैलेंस शीट बिगड़ी है, कोरोना का सरकार ने डट के मुकाबला किया, लेकिन आम आदमी का क्या, उसकी बैलेंस शीट का तो उससे भी बुरा हाल है। तो ऐसे में सरकार को आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। आज आपने जो क्रूड की ऑयल की बात की वो $63 पर बैरल है। हाँ, जो है डॉलर का रेट शायद पहले के मुकाबले ज्यादा है, 673 रुपीज है, 159 लीटर जो है ऑयल का निकलता है एक बैरल से। बट आज की तारीख में अगे इश्यू वही है कि वी नीड टू रिड्यूस, बिल्कुल, और हमें टैक्स कम करने होंगे राज्य सरकारों को और प्रदेश सरकारों को भी, तभी कुछ बात बन सकती है। जनरल साहब आप हमारे साथ बने रहिए, तेल की कीमतों के हर खेल को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश जिंदल साहब को हमने सुना, वहीं इसके लिए अब हमने पेट्रोलियम एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी से भी बात की जो इस क्षेत्र में महारत रखते हैं। एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए उन्होंने तमाम चुभने वाली बातों पर उन्होंने भी विश्लेषण किया है। जब उनसे पूछा था कि आखिर पेट्रोल डीजल पर इतना टैक्स लगता ही क्यों है, क्यों पड़ोसी मुल्कों में भारत से ये कम कीमत पर मिलता है, जरा समझिए सुनिए।
एक सबसे बड़ा कारण जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है आम उपभोक्ता के लिए ज्यादा है वो हमारे तेल का जो ढांचा टैक्सेस का ढांचा है। हमारे टैक्सेस का ढांचा इस तरीके का है कि कुल मिलाकर के केंद्र सरकार जो है एक्साइज के लिए काफ़ी हद तक जो है पेट्रोलियम सेक्टर पर डिपेंडेंट है, निर्भर करती है, और राज्य सरकारें उनके लिए भी इस अपनी जो उनकी आय है रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स होता है। राज्य सरकारें ज़्यादातर उनकी कमाई स्टैम्प ड्यूटी और जो टैक्सेस होती हैं तंबाकू और शराब और तेल, इसी से उनकी ज़्यादातर कमाई होती है। आज की स्थिति जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि केंद्र इस स्थिति में है कि अपने एक्साइज में कोई बड़ी कटौती कर सके या राज्य सरकारें जो कोई बहुत बड़ी कटौती कर सकें। अब राजनीति इस पे जरूर होती रहेगी, लेकिन राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार है 36% वहाँ टैक्स है, क्या वो कटौती करेंगे? मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। केंद्र सरकार जिसका जो एक्साइज का कलेक्शन जो है काफ़ी हद तक पेट्रोलियम सेक्टर से होता है, हालांकि जितना केंद्र कमाता है उसका ये लगभग 41% राज्यों को चला जाता है फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिश है उसके तहत। अब ये अक्सर बात करी जा रही है कि साहब नेपाल में बड़ा सस्ता है, श्रीलंका में बड़ा सस्ता है। नेपाल के अंदर वहाँ की सरकार जिस तरह की भारत में स्कीमें आती हैं, तमाम तरह की स्कीम चल रही हैं, उज्ज्वला चल रही है या और तमाम चल रही हैं, तो नेपाल में तो ऐसी कोई स्कीमें नहीं हैं। वहाँ पे इस तरह का जो है सरकार कोई विकास के कदम नहीं उठाती। विकास के मसले में नेपाल तुमसे 50 साल पीछे है, श्रीलंका भी बहुत पीछे है, पाकिस्तान भी बहुत पीछे है। तो इसलिए भारत की तुलना इन देशों से, इसलिए वहाँ पर तेल सस्ता है क्योंकि वहाँ भारत के मुकाबले टैक्सेस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। अब देखिए बार बार ये टैक्स की बात सामने आ रही है कि साहब टैक्स ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है, लेकिन आखिरकार ये टैक्स का गणित क्या है, कितना टैक्स लगता है, किस पर क्या स्थिति है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे कि जो टैक्स की बात आ रही है ये आखिरकार क्या बात है। जी हाँ, अब आप जरा गौर से देखिए कि तेल के खेल का पूरा गणित समझिए। 1 लीटर क्रूड ऑयल की हम बता रहे हैं कि 1 बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में, अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा, 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत 4566 रुपए है, 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत 28.71 रुपए है, ये पूरा गणित है। 1 लीटर क्रूड ऑयल $63 यानी प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है और 1 बैरल में 159 लीटर होता है। ये बड़े गौर से समझने वाली बात है। 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत 4566 रुपए है और 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत 28.71 रुपए है और 1 लीटर क्रूड ऑयल $63 का है। तो ये वो गणित हम आपको समझा रहे हैं। अब इस पूरे गणित को देखिए कि किस तरह से बेस प्राइस 31.82 रुपए, ढुलाई का खर्च जो पड़ता है वो 28 पैसे, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, आप देखिए जो 1 लीटर आप पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं एक्साइज ड्यूटी देखिए 32.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी उसमें इंक्लूड है। फिर उसका वैट की बात आती है, 20.61 रुपए वैट उसमें शामिल है। फिर अगर हम बात करें डीलर की कमीशन की तो 3.67 रुपए के करीब, 68 रुपए के करीब ये डीलर की जो कमीशन है यानी जो पेट्रोल आपको देता है उसकी कमीशन जो उसको मिलती है। तो कुल मिलाकर अब आप इस तरह से जो पूरा अमाउंट चुकाते हैं वो चुकाते हैं अलग अलग तरीके से। जब हम बात करेंगे 100 को टच करने वाला है, ये स्थिति है, वो स्थिति है, तो ये वो हकीकत है, ये वो गणित है। तभी कहते हैं कई बार कि अगर राज्य सरकारें, केंद्र ने कहा कि अगर कई बार केंद्र की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो वैट कम कर सकते हैं। जी आप डीजल का भी अगर आप देखिए तो गणित, ये डीजल का गणित हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से बेस प्राइस की अगर बात करें तो 33.46 रुपए डीजल का बेस प्राइस है। ढुलाई खर्च की बात करें तो 25 पैसे, एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो 31.80 रुपए भी इसमें एक्साइज ड्यूटी है। और डीलर कमीशन की अगर बात करें तो 2.51 रुपए डीलर कमीशन है और वैट 11.68 रुपए वैट है। तो 1 लीटर डीजल का अब आप चुकाते हैं 79.70 रुपए। ये वो आंकड़ा है, ये वो गणित है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। क्यों महंगा तेल? पेट्रोल की बेस कीमत को हमने आपको बताया कि किस तरह से 32.90 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी, 3.26 रुपए लीटर डीलर का कमीशन होता है, ये हम अब आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। दिल्ली में 20.61 रुपए लीटर वैट, वैट पड़ता है 1 लीटर पर, यानी कुल कीमत पड़ती है आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या है ये पूरी कीमत। तो ये वो गणित है, ये तेल का वो गणित है, तेल का वो खेल है जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार ये स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है। हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, आकाश जिंदल साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
जिंदल साहब, हमने अपने दर्शकों को कोशिश की समझाने की कि किस तरह से वैट और एक्साइज ड्यूटी, इसका एक बड़ा चंक हमारे जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं इनमें है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ राज्य सरकारें कुछ कम कर दें, कुछ केंद्र सरकार कुछ कम कर दें, रहम खा लें, तो हमें ये बात नहीं चुभेगी शायद? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर सकती सरकारें? बिल्कुल, मैं रिपीटेडली पिछले 2 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तमाम टीवी चैनल्स पे जब मेरे साथ होते हैं, कि आप सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए। दूसरा, आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया रोहित, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव रेज्ड दिस पॉइंट। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स को कहना चाहूंगा, कई शोज में कांग्रेस के मित्र मेरे साथ होते हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही, आप जो है एग्जाम्पल सेट कीजिए, आप वैट कम कीजिए, फिर हम बीजेपी से कह पाएंगे कि सेंटर में आप कम करें। बिकॉज जो जरूरत है दोनों से है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है एक्साइज कम करे, स्टेट चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे रीजनल पार्टीज, वो भी वैट कम करें, बिकॉज जनता को आज रिलीफ मिलना चाहिए। आज आपने बात की बड़ी सही तरीके से कि डीजल जो है हर आदमी के खाने पीने का सामान उसमें ट्रेवल करता है। दूसरी चीज, किसान भाइयों के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए तो डीजल एक लाइफ लाइन है, उनके लिए डीजल सबसे इंपॉर्टेंट है। और पेट्रोल की बात करें, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हमारे बहन भाइयों के लिए 2-व्हीलर 4-व्हीलर बिल्कुल जिंदल ट्रैवलिंग सारी की सारी पेट्रोल पे होती है। तो इन्फ्लेशन के अंदर, महंगाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल प्राइसेस है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, रादर टू समराइज, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सेंट्रल एक्साइज कम करे, स्टेट से वैट कम करे। तनेजा साहब की इज्जत करता हूं, बट मेरे हिसाब से बहुत से और जरिए हैं, जब समय होगा आपके पास तो बताऊंगा। बिल्कुल जिंदल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी फॉर्मूले की हम भी बात कर रहे हैं कि प्रदेश सरकारें भी कुछ कम करें, कुछ केंद्र सरकार कम करे, और हम लोगों को ये बात तभी कम चुभेगी, नहीं तो ये बात सचमुच चुभने वाली है, और हर शख्स को ये बात चुभ रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सचमुच आसमान छूने लगी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।